नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने हरी चुनरी चौपाल के दूसरे चरण की शुरुआत दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गाँव बुढ़वाल से की। आज उन्होंने हरी चुनरी चौपाल के तहत महिलाओं की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और महिलाओं के हित को लेकर अनेक वायदे भी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माता एवं जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने एक बार फिर से हरी चुनरी चौपाल की शुरुआत की है। हरी चुनरी चौपाल के ये दूसरे चरण की शुरुआत नांगल चौधरी विधानसभा के गाँव बुढ़वाल से की गई। नैना चौटाला ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं पहले अपने घर परिवार व बच्चों को समय दें और उसके बाद जो समय बचता है वो समय पार्टी को दें। नैना चौटाला ने कहा कि नारनौल के नज़दीक पछोद हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया गया है, ऐसे में वे अपनी बेटियों को पायलट बनाने के लिए वहाँ जाएँ और जानकारी लें। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की बेटियाँ पहले भी थल सेना वायुसेना में हैं और इस क्षेत्र के लोग सबसे अधिक फौज में हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर महिलाओं को मजबूत किया गया है। मैं तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि हरी चुनरी चौपाल का जो दूसरा फेज है, आज पहली हरी चुनरी चौपाल की, वो इतनी जबरदस्त भीड़ थी महिलाओं की कि मैं आते हुए देख रही थी कि कैसे बसें जो है दुनिया बैठ के आती है। महेंद्रगढ़ में औरतें खड़ी होकर बस में और खड़ी, आज पहली है तो बम्पर तोड़ कहते ना फसल होगी वैसी फसल वाली। देखो कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पुरुष अपनी जगह काम करते हैं, महिलाएं अपनी जगह काम करती हैं, पर मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि पंचायतों में जो 50% की भागीदारी महिलाओं को मिली है। जब गांव में जाते हैं ना तो ये गांव छोड़ के एक गांव में महिला सरपंच देखने को मिलती है, पंच देखने को मिलती है, चेयरमैन कमलेशी जैसी महिलाएँ देखने को मिलती है जो पढ़ी लिखी है। उस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएँ जो है पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलती है। बिल्कुल अच्छा है, जानकारी का अभाव शायद कम हो सकता है, बाकी कमलेश जी हैं इनसे भी मैं कह के जाऊंगी कि अगर महिलाएं या इच्छुक हैं और उनके कोटे में यहाँ महिलाओं को रिपोर्ट होल्डर्स जो है अगर उनको यहाँ मिलता है महिला तो मैं दिलवाने का काम आपके माध्यम से मैं कमलेश जी को कहूँ कि आप महिलाओं को लेके आओ और दुष्यंत के पास बैठ के मैं दिलवाने का काम महिलाओं को, क्योंकि जब 33% का आरक्षण है महिलाओं को तो महिलाओं को हमें को मिलेगा, पर कुछ मेरे को लगता है जानकारी का अभाव कर लो या महिलाएं शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, हो सकता है पहले से पुरुषों के पास हो तो वो जगह महिलाओं को मिली हो, तो ये चीज़ें बहुत सारी जो कमियाँ हैं उनको दूर तो मिल बैठ नहीं कर सकते। नैना चौटाला ने जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस क्षेत्र से अजय चौटाला के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर नैना चौटाला ने कहा कि अभी पार्टी लेवल पर निर्णय होगा कि सीट समझौते में किसे मिलती है, उसके बाद तय किया जाएगा कि यहां से चुनाव कौन लड़ेगा। नैना चौटाला ने मणिपुर में घटित हुई हाल ही की घटना को लेकर कहा कि महिलाओं के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाए जाएं और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। 2024 की तैयारी तो वैसे तो राजनीति में आदमी जब कदम रखता है तो हमेशा तैयारी में रहता है, पर ये एक चुनाव का आगाज है महिलाओं को लेकर, महिलाओं को पहले भी जागरूक किया था, फिर दोबारा उनके अधिकार जो उनको मिले बताने का काम करेगी हरियाणा सरकार ने क्या क्या महिलाओं को किया। और यहाँ तो नारनौल में जो एडमिशन सेंटर बना है लड़कियों के लिए वो एक बहुत ही अच्छी पहल है कि हमारी बेटियाँ जो है वो पायलट बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ, हो सकता है कई माओं को इस चीज़ की भी जानकारी ना हो, इसलिए मैंने मंच के माध्यम से कहा था कि जो एडमिशन सेंटर है वहाँ जाकर अपनी बेटियों को एडमिशन दिलाओ पायलट बनाने का काम आसमान छूए। देखो अभी लोकसभा इलेक्शंस में टाइम है, जब टिकटें मिलेंगी और टिकटें देने में अजय सिंह चौटाला जी ने और पार्टी के बाकी मेंबर्स ने देना, ये काम मेरा नहीं है उनका है, तो जिसको मिलेगी वो पार्टी की तरफ से आके लड़ लेगा। बाकी अगर गठबंधन में इलेक्शन
देखो किस हिस्से में जो सीट आती है वो उसी से पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह रही। मणिपुर वाले के लिए तो मैं पूरी इसको है ना क्रिटिसाइज करूंगी कि जो महिलाओं के साथ मणिपुर में हुआ है बहुत ही मतलब निंदनीय है, दुखनीय है। और ऐसा तो एटलीस्ट महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आपके माध्यम से मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहूँगी कि कानून थोड़ा सख्त बनाए, जो व्यक्ति बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है उसको फांसी से नीचे की सजा तो होना ही नहीं चाहिए। और पुराने टाइम में मैं कहती कृष्ण जी होते थे महाभारत में हर चीज़ का हल निकालते थे, तो आज जो है वो हम कृष्ण जी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसे सख्त कानून आने चाहिए ताकि उनको हैकआउट ही कर दे, ताकि ये डर जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर एक के साथ सही फैसला हुआ कोर्ट की तरफ से तो आपके कोई ऐसी हरकत नहीं, निंदनीय है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज़।